चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि रूबी अ क्लास 11 स्टूडेंट हैज स्टार्टेड लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग हेल्पर विद द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ वेरिएबल एज अ डेटा टाइप बाय द सूटेबल एग्जांपल। मैं 100 बार आपको बता चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर कि व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो वेरिएबल क्या होता है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है। मैं बता चुका हूँ ये आपको सब। नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है, नेम मेमोरी लोकेशन के अलावा कंटेंस टेम्परेरी वैल्यूज। टेम्परेरी का मतलब इसलिए हुआ क्योंकि वेरिएबल की वैल्यूज होती है वो वेरी कर सकती है। अगर मैं वेरिएबल इंट आई इंट एज इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ फिर आगे 1 को 20 कर रहा हूँ तो वहां पर वैल्यू जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए टेम्परेरी का मैं वहां पर यूज कर रहा हूँ। सो हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल्स आर द नेम मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द टेम्पररी वैल्यूज दैट मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, एज सिंपल एज दैट। फिर सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हेल्प हर विद अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जांपल। लेकिन अगर मैं इसका अगर आपको एग्जांपल भी देना हो तो आप ऐसे देखते हैं इंट एज इक्वल्स टू 10, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे को डेटा टाइप के बारे में पहले बताना है। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप भी हजारों बार मैं आपको बता चुका हूँ, टेल्स द टाइप ऑफ वैल्यू कंटेंड बाय वेरिएबल, एज सिंपल एज दैट। मतलब कोई एक वेरिएबल है उसकी टाइप ऑफ वैल्यू बताता है कि उसने कौन सी वैल्यू कैरी कर रखी है। तो अगर मैं इंट एज इक्वल्स टू 10 की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एज ए क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। बिल्कुल सही बात है कि आपका हो गया वेरिएबल। और इंट क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डेटा टाइप जो बता रहा है कि इंट जो ए वैल्यू है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करती है जिसकी वैल्यू है 10, एज सिंपल एज दैट। तो सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़ा कि उसको बताना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में और कंपेरिजन ऑपरेटर में फर्क क्या है विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। भाई हजार बार मैं आपको बता चुका हूँ बी पार्ट के अंदर कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये वैल्यू को असाइन करने के काम आता है, बल्कि जब इक्वल टू ये वाला ऑपरेटर होता है ये कंपेयर करने के काम आता है। कैसे? अगर मैं बात करूं, सपोज ये ऊपर वाले ले लेते हैं इंट ए इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 10 असाइन कर रहा है यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं इफ मार्क्स इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मार्क्स का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को ये कंपेयर कर रहा है 10 से। तो हमारे को ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये कंडीशन के काम आता है और चेक करने का काम आता है, कंपेयर करने का काम आता है कि वैल्यू जो है वो बराबर है या नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम ये यूज़ करेंगे कंपेरिजन ऑपरेटर, तो इसका हमेशा जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू और फॉल्स आएगा, बूलियन होगा वो। लेकिन यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर में हम वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू। समझ में आ गई बात? तो ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी एग्जांपल। ठीक दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपका, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसका और पार्ट में आपका एक और क्वेश्चन, तो आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और जो आपको आता हो। हमें एग्जाम के पेपर में यार होशियारी नहीं दिखानी है कि भाई कठिन सवाल आया तो इसमें घुस जाना है, नहीं भाई, अपन को मार्क्स लेना है। तो जो इजी है होशियारी नहीं दिखानी है अपन को पेपर में, जो इजी है वो करना है, ठीक है। तो ये आ रहा है कि अभी दो कोड दे दिए हैं, अब इसमें पूछ रहा है कि आउटपुट जो होगा वो दोनों का अलग अलग होगा क्या। तो चलिए हम देखते हैं इसको। अब हमें जब भी कोडिंग की बात आती है हम कोडिंग से क्यों डरते हैं, क्योंकि हम हर एक लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ते, हर एक सेंटेंस को, हर एक टोकन में घुस जाना है हमें, ठीक है। जैसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते हैं उसकी हर एक बात की नस का नस निकाल लेते हैं ना, नस पकड़ लेते हैं उसकी, उसी तरीके से अपन को हर लाइन की नस पकड़नी है, ठीक है। तो int x equals to 2, y equals to 40, ठीक है, int x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 40 है। अब आ रहा है while कंडीशन में, y is less than equals to x। तो मैंने देखा कि यार y का वैल्यू तो यार 40 है और x का वैल्यू मेरा कितना है, x का वैल्यू है मेरा यहाँ पर 2, ठीक है, तो x का वैल्यू है मेरा यहाँ पर 2। तो मैंने देखा यार कि ये कंडीशन जो हो गई है तो फॉल्स हो गई। तो हमारे को पता है कि वाइल कंडीशन के अंदर जब भी वैल्यू फॉल्स हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है लूप के। अगर यहाँ पर पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आ गया, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी,
प्रिंट क्या होगी, प्रिंट कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि वाइल के केस में जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो लूप के बाहर आ जाएगा, उसका कंट्रोल एज सिंपल एज दैट। तो हमने देखा यार फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इंट एक्स इक्वल्स टू 10 वाई इक्वल्स टू 40 सेम वैसे ही डू वाइल। अब यार डू वाइल के केस में तो मेरे को एक बात सर ने बताई थी कि अगर कंडीशन जो होगी फॉल्स होगी तब भी एक बार प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, लेकिन वाइल जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। वाइल के अंदर एंट्री के टाइम ही कंडीशन चेक हो जाती है, कंडीशन फॉल्स बाहर, लेकिन डू वाइल के अंदर आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। क्यों? क्योंकि कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, तो वो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो भी वो एक बार जो है प्रिंट करेगा। तो हम क्या देखे, jtextfield.setText तो x का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो नीचे है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब और के अंदर एक क्वेश्चन और दे रखा है कि int n equals to 4, f equals to 0 और i, n का वैल्यू 4 दे रखा है, f का वैल्यू 0, i। अब एक फॉर लूप चलाया इसने, इसमें i का वैल्यू 1, i less than equals to n और i plus plus। चलिए फिर इसने फॉर की बॉडी में दे दिया f is equals to f into i और हमारे को f और i की वैल्यू प्रिंट करवानी है, मतलब क्या प्रिंट होगा ये हमें बताना है इसका आउटपुट। चलिए तो हमने देखा कि पहली बार लूप चला, तो पहली बार लूप चला तब i का वैल्यू कितना था, 1 था, i का वैल्यू 1 था, ठीक है। तो i का वैल्यू जब 1 हुआ तो 1 into 0, तो मेरे को पता है कि f का वैल्यू 0 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि f 0 into 1 is 0, right? तो पहले लूप के अंदर तो ये हो गया। अब i का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही 2 हुआ तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 into 0 is 0 only। ऐसे ही i का वैल्यू 3 हो जाएगा, f का वैल्यू 0 ही रहेगा। फिर i का वैल्यू कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। i का वैल्यू 4 हुआ तब f का वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन जब i का वैल्यू यहाँ पर 4 हुआ तब यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि देखेगा वो 4 इज लेस देन n, यस, तो इंक्रीमेंट तो होगा यहाँ पर। तो i का वैल्यू यहाँ पर 5 तक जाएगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब वैल्यू कंडीशन चेक करेगा तो चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, जो कि गलत है, 5 इज मोर देन 4 होता, राइट। तो वो i का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट तो कर देगा लेकिन वो लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो जब यहाँ पर वैल्यू 4 होगा तब i का वैल्यू 5 हो चुका होगा, ठीक है। तो हमें i और f का वैल्यू प्रिंट करना है, तो f का वैल्यू तो 0 ही रहेगा लेकिन i का वैल्यू आपका 5 प्रिंट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो गाइस इसका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट सेक्शन आ रहा है, सी पार्ट, जिसमें आपको क्या है एक कोड दिया गया है जिसके अंदर वो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोड जो है मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है कि आर दीज टैग्स आर अ पार्ट ऑफ एचटीएमएल कोड और एक्सएमएल कोड। देखिए अब हमें पता है कि एचटीएमएल कोड में यार कंपनी नाम की तो कोई टैग होती नहीं है, नेम नाम की कोई टैग नहीं होती, एम्प्लॉय नाम की कोई टैग नहीं होती। और इसमें यार मैंने एक बात और देखी कि हर टैग जो है वो क्लोज भी हो रही है, एम्प्लॉय शुरू हो रही है क्लोज हो रही है, नेम शुरू हो रही है क्लोज हो रही है, डिपार्टमेंट क्लोज हो रहा है, कंपनी जो है वो भी क्लोज हो रही है। तो हमें पता है कि XML के अंदर हमेशा जो होती हैं टैग्स जो होती हैं वो क्लोज होती हैं, राइट। और HTML के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो टैग है वो क्लोज हो। और दूसरी बात क्या देखी है हमने कि ये सब जो है मैनुअली डिफाइंड टैग्स हैं, जो कि हम XML में अपनी मैनुअली टैग्स बना सकते हैं लेकिन HTML में नहीं बना सकते। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दीज आर XML टैग्स, ठीक है। तो ये हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड हो गया आइडेंटिफाई द रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट हमारे को पता है कि जैसे हम HTML के अंदर HTML शुरू में लिखते हैं और एंड में करते हैं उसको क्लोज, तो वो रूट टैग हो गया। अब यहाँ पर कहाँ से चालू हो रही है, कंपनी से चालू हो रहा है, कंपनी में ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारा रूट हो गया। रूट टैग कौन सा हो गया, कंपनी, ठीक है। अब बात आती है मेंशन एनी टू चाइल्ड एलिमेंट्स। अब देखिए जो रूट एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम क्या कहते हैं, हमारी चाइल्ड। तो यहाँ पर कौन कौन सी चाइल्ड हो गई, एक तो नेम हो गई आपकी, हो गई नेम, और एक डिपार्टमेंट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी कुछ दो चाइल्ड टैग्स हो गई, नेम और डिपार्टमेंट। तो ये भी हमारा हो गया इजीली आंसर, ठीक है। अब अगला आ रहा है कि मेंशन एनी टू एट्रीब्यूट्स। अब हमारे को पता है कि हम जो टैग्स के आगे जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो हमारा एट्रीब्यूट होता है, जिसकी हम वैल्यू इक्वल्स टू करके असाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या इक्वल्स टू असाइन कर रहे हैं, एक तो EID और एक डिपार्टमेंट ID, ये हम इक्वल्स टू करके कर रहे हैं ना हर में, देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है।
तो हमारी दो एट्रीब्यूट्स कौन से हो गए, ईआईडी और डीईपीटी आईडी, एज सिंपल एज दैट, इजीली डन। ठीक है, इसके अंदर और के अंदर आपको एक और चॉइस दी गई है कि मेंशन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एचटीएमएल एंड एक्सएमएल। अब देखिए हमें पता है एचटीएमएल जो है वो डिस्प्ले करने के काम आती है, लेकिन एक्सएमएल जो होती है वो डाटा को स्टोर और कैरी करने के काम आती है। तो पहला क्या होगा डिफरेंस, एचटीएमएल इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा बट द एक्सएमएल फोकसेस ऑन डेटा एंड इट स्टोर्स द डेटा एंड एक्सप्रेसेस हाउ द डेटा इज बीइंग कैरीड। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है हमारा, एचटीएमएल में हमारी जो प्री डिफाइंड टैग्स नहीं हो, प्री डिफाइंड टैग्स होती हैं, एक्सएमएल में हम अपनी टैग्स को डिफाइन भी कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि एचटीएमएल के अंदर क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं और ओपनिंग टैग्स भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम टैग्स को क्लोज करें, कुछ ऐसी टैग्स भी हैं जो क्लोजिंग टैग्स नहीं मांगती हैं। लेकिन एक्सएमएल के एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि हर टैग को क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो हमारे तीन जो हो गए डिफरेंसेस हो गए एचटीएमएल के अंदर। पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अंदर ऑल्सो मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ एक्सएमएल। ठीक है, तो एक्सएमएल के फीचर सिंपल होगा, इट इज यूज टू स्टोर द डाटा एंड इट इज यूज टू कैरी द डाटा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है गाइस, तो हमारे जो है यहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन के थ्रू हमारे को 10 नंबर बहुत इजीली मिल चुके हैं यार। छुटमुट क्वेश्चन तो हम इजीली कर सकते हैं, हमने इतनी प्रैक्टिस तो की है, राइट। सो इसको भी नोट कर लीजिए।